15 जुलाई तक संपन्न करा ली जाएंगी। बता दें चले कि कोरोना काल के चलते सीबीएसई की परीक्षाएं टाल दी गई थी, जिन्हें अब पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस से निपटने के दौरान भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने अपने पत्र के जरिए सैनिटाइजर खरीद घोटाले की जांच की मांग उठाई है। लखनऊ मेयर के इस लेटर बम्प से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। कोरोना की महामारी के बीच ट्रांसपोर्ट भी लूट खसोट में जुट गए हैं। इसका ताजा मामला कानपुर के सामने आया है, जहां पर ट्रांसपोर्टर ने व्यापारियों से अवैध वसूली के चक्कर में बिल में कोरोना टैक्स लगाया है। मामला कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर पालिका के रिटको ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। गाजियाबाद में करीब 45 दिन बाद दूसरे दिन खुली शराब की दुकानों पर जिले में 700 पुलिसकर्मियों एवं आबकारी अधिकारियों की निगरानी में शराब बेची जा रही है। आबकारी इंस्पेक्टर हिमलता रंगनानी ने बताया कि सभी शराब मालिकों को कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब बेची जाए। बागपत में एक बार फिर से एक ही परिवार के कोरोना के 3 नए केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बता दें जनपद रेड जोन वाले इलाके में शामिल है, लेकिन इसके बाद से कोरोना के केस मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ा दी है। नगर आयुक्त के आदेश के बाद कर्मचारियों और अधीनस्थों के द्वारा अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं हो पाया है, जिसके चलते नगर आयुक्त कर्मचारियों पर भड़क उठे। नगर आयुक्त के रौद्र रूप को देखकर अधीनस्थों ने पसीने छूट गए। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे में शेल्टर होम में बदलाव नहीं आया तो कार्रवाई की जाएगी। चित्रकूट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट की घटना का 48 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। बता दें कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप से अज्ञात बदमाशों ने 57,000 रूपये की लूट की थी, जिसके बाद मामले के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गाजियाबाद में एटीएम मशीन में सांप घुस गया, जहां पर एटीएम मशीन में सांप घुसने से लोगों में दहशत फैल गई। जे ब्लॉक की मार्केट में बने एक बैंक के एटीएम में जब सांप एटीएम के अंदर घुस गया तो काफी मशक्कत करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकला, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे बाहर निकाला। मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम मक्खनपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना पुलिस पर दी गई तो पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदोई में कोतवाली इलाके के विष्णुपुरी इलाके में परिवहन विभाग का रिटायर्ड सिपाही ने नशे में धुत होकर आधी रात फायरिंग से मची सनसनी फैला दी। वहीं आधी रात फायरिंग से मोहल्ले में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और इसको कोतवाली ले जाकर पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आग में महिला का शव पड़ा हुआ मिला और आशंका है कि महिला की हत्या कर उसे आग के हवाले कर दिया गया है। जब तक ग्रामीणों ने आग बुझाई तब तक 90% शव जलकर राख हो चुका था। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगढ़ में लॉकडाउन के चलते एएमयू में फंसे 1200 छात्र छात्राओं को स्पेशल ट्रेन से बिहार भेजने की तैयारी शुरू हो गई है, जहां मेडिकल टीम छात्र छात्राओं के चेकअप में जुटी हुई है। वहीं सुबह से चल रही स्क्रीनिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में जो सबसे अहम रोल निभा रहे हैं डॉक्टर हैं। गोंडा में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जिले की प्रख्यात महिला चिकित्सक डॉक्टर अनीता मिश्रा बॉलीवुड के एक लोकप्रिय गीत जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना पर डांस करके अपने स्टाफ का हौसला बढ़ा रही हैं। लॉकडाउन में गैर प्रांतों में फंसे मजदूरों की घर वापसी की प्रक्रिया के बीच गुजरात के सूरत शहर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन श्रमिकों को लेकर गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंची। जिले के डीएम और एसपी ने भी संपर्क में किया गया है ताकि वहां पहुंचने के बाद इन श्रमिकों के होम क्वारंटाइन किया जा सके। लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों को खाने पीने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बलिया में एक परिवार के ऊपर विकट समस्या टूट पड़ी है। शॉर्ट सर्किट होने से घर का जरूरी सामान जलकर राख हो गया। कुछ दिन पहले मुंबई से वापस लौटे तहसील तुलसीपुर निवासी व्यक्ति की कोरोना सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाई गई है।
कोरोना को हराकर कलेक्टर पहुंचे तालियों के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले व्यक्ति को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 15 दिन हेतु राशन किट दिया गया। गोरखपुर में इन दिनों लॉकडाउन के दौरान खाकी का अलग ही चेहरा देखने को मिल रहा है, जहां महिला थाना प्रभारी ने शेल्टर होम में रह रहे दिव्यांग बच्चे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसे बच्चों को भी खाने की चीजें दी, जिसके साथ ही दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचकर सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए उनके जन्म दिवस मनाया और समाज से अलग रह रहे अनाथ दिव्यांग बच्चों ने खुशी व्यक्त की। कोरोना काल में जनप्रतिनिधि मानवता की मिसाल पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में बड़हलगंज में पूर्व राज्य मंत्री राजेश त्रिपाठी ने करीब 300 राहगीरों के साथ असहाय व्यक्तियों का भोजन वितरित किया और सभी की हर संभव मदद करने का वादा किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर जारी लॉकडाउन से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण यातायात बंद होने से रोडवेज के अल्मोड़ा डिपो को कोरोना का नुकसान हो रहा है। सीमांत क्षेत्र खटीमा के नेपाल बॉर्डर से लगे क्षेत्रों मैलाघाट सिसया बग्गा चौवन में जो लोग जंगलों के किनारे और आबादी क्षेत्र से दूर रह रहे हैं उनके लिए सरकारी सस्ती गल्ले का राशन घर घर जाकर वितरित किया जा रहा है। पूरे देश में लगे लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा समस्या लालकुआ की गोला नदी में फंसे श्रमिकों को उठानी पड़ रही है। आलम यह हो गया है कि अब इन मजदूरों के पास ना तो रहने की जगह है और ना ही खाने के लिए खाना है। मजबूरी में मजदूर पैदल ही अपने गृह जनपदों को रवाना हो गए हैं। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में भी शराब की दुकान खुलने के बाद जिले से सरकार को करोड़ों का राजस्व प्राप्त हुआ है। दुकानों से सरकार को 2,59,00,000 का राजस्व प्राप्त हो चुका है। उत्तराखंड में आने वाले प्रवासियों की श्रृंखला अब शुरू हो चुकी है। हाल ही में राजस्थान से 219 यात्री उत्तराखंड पहुंचे थे। वहीं एसडीएम गोपाल सिंह ने बताया कि सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा। डोईवाला के जोली ग्रांट का देहरादून हवाई अड्डा अब किसी भी तरह की परिस्थितियों और संचालन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक डीके गौतम ने बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेश के बाद ही एयरपोर्ट की गतिविधियां संचालित होंगी। नैनीताल में बीडी पांडे महिला चिकित्सालय में लघु निर्माण मरम्मत कार्य मार्ग इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने और रैंप बनाए जाने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा जिला योजना से विगत वित्तीय वर्ष में 17.23 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी। जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून सीजन से पहले निर्माण कार्य पूरे हो जाएं ताकि आने वाले मरीजों और उनके ईमानदारों को सुविधा हो सके। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर सभी प्रवासी मजदूरों से रेल किराया मांगने का आरोप लगाते हुए अपनी तरफ से सभी प्रवासियों के रेल किराए का खर्च उठाने का फैसला लिया है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड में मौजूद सभी प्रवासियों के रेल किराए का खर्चा उठाने का जिम्मा लिया। उत्तराखंड के प्रवासियों को ट्रेन से वापस लाने पर उनका किराया प्रदेश कांग्रेस द्वारा दिए जाने की पेशकश को उत्तराखंड बीजेपी ने हास्यास्पद बताते हुए कहा कि जब किसी भी व्यक्ति से किराया लिया ही नहीं जाना है तो कांग्रेस नेताओं की कोरी बयानबाजी जनता को धोखा देने की कोशिश है। मोदी सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के तीसरे अध्याय में गृह मंत्रालय की तरफ से शराब की दुकानों को खोले जाने की अनुमति मिलने पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से नाराज नजर आ रही है। शराब की दुकानों के बाहर जनसैलाब लग जाने से कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के फैसले पर विरोध जता रही है। देश प्रदेश में चल रही कोरोना महामारी को लेकर सरकार की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं राजधानी देहरादून में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सीएमआई अस्पताल के सीएमजी डॉक्टर आर के जैन ने कहा कि कई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। बागेश्वर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में लॉकडाउन अवधि में बाहरी राज्यों से जनपद में आने वाले प्रवासियों को होम क्वारंटाइन किए जाने, उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने और चिकित्सकीय परीक्षण कराने आदि के संबंध में अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल ने बिलोना बस अड्डे से संबंधित अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की।
चमोली जनपद अभी तक पूरी तरीके से ग्रीन जोन में है। जिले में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए भेजे गए अब तक सभी 26 ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। कोविड हेल्थ सेंटर गोपेश्वर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज की रिपोर्ट भी नेगेटिव आने से डिस्चार्ज किया गया। रुद्रप्रयाग जिले के सुमाड़ी भरदार में क्वारंटाइन का पालन न करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। पहले तो व्यक्ति क्वारंटाइन जाने से तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो व्यक्ति क्वारंटाइन के लिए तैयार हो गया। चौकी इंचार्ज तिलवाड़ा सीमा चौहान ने बताया कि उक्त व्यक्ति को काफी समझाया गया, लेकिन वह नहीं माना, तो ऐसे में पुलिस को थोड़ा सख्ती का प्रयोग करना पड़ा। रुद्रप्रयाग में बाहरी प्रदेशों से जिले में लौट रहे प्रवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें गुलाबराय स्थित स्टेजिंग में छोड़ा जा रहा है, जिससे उनके सामने घर तक जाने की समस्या खड़ी हो रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम विनोद कुमार ने जिला अस्पताल बीडी पांडे अस्पताल में किया जा रहे जिला कार्यों के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने हॉस्पिटल में कराए जा रहे कार्यों पर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए हॉस्पिटल में किए जा रहे विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा, ताकि हॉस्पिटल में हो रहे कार्य समय पर पूरे हो सके। कोरोना को लेकर लगे लॉकडाउन में सरकार को शराब की दुकानें खोलने से काफी मुनाफा हो रहा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रदेश के अधिकांश जिलों में शराब की दुकान खोलने की छूट देने के बाद अकेले अल्मोड़ा जिले में विगत 3 दिनों में ही सरकार को 1.5 करोड़ के लगभग के राजस्व का लाभ मिल चुका है। राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा भंडारी ने राज्यों में लॉकडाउन के बीच में खोली गई शराब की दुकानों को लॉकडाउन अवधि तक बंद रखने की मांग की है। और वर्तमान में प्रदेश में जिस तरह से प्रतिदिन कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर गंभीरता व्यक्त की। सितारगंज क्षेत्र के निजी विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन के दौरान वार्षिक शुल्क मासिक फीस बढ़ाने और मांगने को लेकर क्षेत्र के लोगों ने तहसील पहुंचे, जहां लोगों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग घरों में हैं, तो वहीं जंगलों में बमुश्किल दिखाई देने वाले वन्यजीव दिन हो या रात हो नगर में आजादी से बेधड़क घूम रहे हैं। नैनीताल की अलग अलग जगहों में वन्यजीवों के टहलने का सुंदर नजारा सामने आया है, जहां पर वन्यजीव प्रेमियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन का मजा जंगली जानवर जमकर उठा रहे हैं। यही कारण है कि सुनसान पड़े इलाकों में जंगली जानवर आए दिन सैर सपाटा करने के लिए पहुंच रहे हैं। काशीपुर के जसपुर खुर्दे में कुंडेश्वरी रोड पर एक बाग में मादा गुलदार और उसके बच्चों के साथ हड़कंप मच गया। दिनेशपुर में देर रात करीब 2 बजे भारी बरसात के साथ तेज आंधी के चलते कई लोगों के घरों के 3 सेट उड़कर अन्य स्थानों पर जा गिरे, जहां पर तेज आंधी के चलते कई पेड़ टूट कर गिर गए। सबसे ज्यादा नुकसान आम के बगीचों में हुआ है, जहां पर आम का फसल आंधी के चलते गिर गया है, जिसके अलावा लीची के फसल में भी भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान स्थानीय लोगों के द्वारा शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से आज सुबह 15 प्रवासी मजदूर तक ट्रेन की चपेट में आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में जान माल के नुकसान को बेहद दुखी हूं। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से बात कर चुका हूं और वह स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, हर संभव मदद की जा रही है। औरंगाबाद में हुई यह घटना बहुत हृदय विदारक है, मौत का कोई मुआवजा नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज ने केंद्रीय रेल मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की रखी है, और साथ ही मृतकों के परिवार को 5-5 लाख का मुआवजा और घायलों को संपूर्ण इलाज सरकार की तरफ से किया जाएगा। सरकार की प्राथमिक पहल है कि घायलों को स्वस्थ करने की है, और एक स्पेशल विमान पूरी टीम लेकर घायलों के पास पहुंचेगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आज सुबह 15 प्रवासी मजदूर एक ट्रेन की चपेट में आ गए। वहीं इन सभी मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने शोक व्यक्त किया है और साथ ही पीड़ित परिवार को केंद्र सरकार की तरफ से बड़े मुआवजे की मांग रखी है। मध्य प्रदेश में शराब दुकान खुल जाने के बाद राजनीति गर्माती नजर आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने शराब ठेकेदारों को प्रदेश भर में ठेके खोलने का ऑर्डर दे दिया था। सिंह ने बताया कि ऐसे करने से आने वाले दिनों में प्रदेश की हालत कोरोना से और खराब हो सकती है।
प्रदेश में दूध और बंद और शराब चालू किया जा सकता है। यहाँ की महिलाओं से निवेदन है कि खुद ही लठ उठाएं और दुकानें बंद करवाएं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को निशाना बनाते हुए विधायक कुपार्ड चौधरी ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया है कि कुणाल ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में शिवराज सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नरसिंह जयंती पर कुछ लोग मंदिर चले गए तो उन पर FIR दर्ज हो गई, और भाजपा के विधायक 150 लोगों की मीटिंग ले रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मुंगेली में एक कलयुगी बेटे का अपनी ही मां और बहन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। इस ताबड़तोड़ हमले में जहां मां का सर धड़ से अलग होने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि बहन जख्मी हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दिल दहला देने वाली ये वारदात शहर के रामगोपाल तिवारी वार्ड में घटित हुई है, जहां पर आरोपी अनिल यादव खून से सनी धारदार टंगियों को लेकर मोहल्ले में लहराता हुआ नजर आया। यह देखकर मोहल्लेवासियों के होश उड़ गए। बलरामपुर भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह देव समेत प्रदेश सरकार के पूर्व विधायक और मंत्री सिद्धार्थ पेकरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने लॉकडाउन के बीच शराब की दुकान खोलने के विषय पर अपना मत रखा। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि अचानक शराब की दुकानों को धारा 144 के दौरान भी खोलना पड़ा। उन्होंने तीखे शब्दों में सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के बाद यह विषय पर गंभीर आंदोलन किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत गिद्दा का है, जहां पर 24 वर्षीय युवक कृष्ण साहू ने अपने ही घर से आग लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस की माने तो अब तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई होगी। विदिशा की शमशाबाद पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व पुलिस को सूचना मिली थी कि शमशाबाद थाना क्षेत्र के गांव बींज के कुएं में एक लाश देखी गई है, जिसकी पहचान गुलाब सिंह के रूप में हुई थी। वहीं मृतक के पिता ने भी हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने बारीकी से जांच को आगे बढ़ाया और मृतक की भाभी के भाई को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस लीक की घटना के बाद अब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की भी एक पेपर मिल में इसी तरह से हादसा हो गया। मिल में जहरीली गैस का रिसाव होने की वजह से वहां पर काम कर रहे 7 मजदूर इसकी जद में आ गए। मजदूरों को तत्काल वहां से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। गैस की चपेट में आए 7 मजदूरों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। इनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लॉकडाउन के बाद से पूरे देश भर में मजदूर अपने अपने घर लौट रहे हैं। सरकार भी उन्हें वापस अपने घर पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है, बावजूद इसके अधिकांश मजदूर तक ये मदद नहीं पहुंच पा रही है। कुछ दिन पहले भी बिलासपुर के रास्ते 19 मजदूर कुसमुंडा पहुंचे थे, जहां पर आज इनके बाद जो दुर्ग रायपुर से बिलासपुर के रास्ते कुसमुंडा पहुंचे हैं, जिन्हें कुसमुंडा थाना प्रभारी गंगा द्वारा नगर के पास रुकवाया गया और खाने पीने की व्यवस्था की गई। लॉकडाउन में ऑनलाइन ठगी का एक सशक्त माध्यम फेसबुक बना हुआ है, जिसके कारण फेसबुक उपयोगताओं काफी परेशान हैं। विगत एक माह से फेसबुक आईडी हैक करने के बाद उनसे चित्र परिचितों को मजबूरी बताकर पैसे मांगने का तरीका हैकरों ने अपनाया है। मामले में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि साइबर अपराध को लेकर लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है, ताकि लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इस तरह की ठगी से बच सकें। वैश्विक महामारी से जूझ रहे पूरे विश्व कोरबा जिले भी अछूता नहीं रहा है। एक समय ऐसा था कि कोरबा जिला के घटघोरा हॉटस्पॉट का केंद्र बन गया था। कोरोना के बचाव के लिए जिला प्रशासन के अलावा नगर निगम के द्वारा नगर निगम क्षेत्र SECL कॉलोनियों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, जहां पूरे छत्तीसगढ़ सहित सूरजपुर में शराब दुकानों को खोलने की हरी झंडी मिल गई है। इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ का भी ध्यान रखा जाएगा। होम डिलीवरी करने के साथ ही प्रति व्यक्ति 5000 ml शराब मिल सकेगी। तो इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।